और इस अतिवृष्टि के कारण बुरी तरीके से बर्बाद हो गए किसान। हम डरने और दबने वाले नहीं है। अधिकारियों को इस मंच से चुनौती दे रहा हूँ कि अगर आपने लिपापोती की तो इसके लिए कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सारे हम विधायक नेशनल हाईवे जाम करेंगे और इसकी हिट सही हो जाएंगे। इस बार किसानों की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है ईश्वर भी उसी का साथ देता है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोखेड़ के तत्वावधान में किसानों की विभिन्न समस्या हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। विधायक विजय चौरे के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया तथा किसानों के विभिन्न समस्या हेतु एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों की विभिन्न मांगे पूरी करने हेतु मांग की गई। बता दें कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, जिसको तत्काल रूप से मुआवजा सर्वे कराकर दिया जाए, ऐसी मांग की गई तथा बार बार लाइट की जो कटौती हो रही वो बंद करने की मांग की गई। किसानों को आगामी सीजन हेतु खाद और बीज पर्याप्त मात्रा में भंडारण करने की मांग की गई तथा किसानों को एमएसपी आधार पर किसानों का जो फसलें है, जो माल है, मक्का है, वो खरीदा जाए, ऐसी मांग की गई। और इस अतिवृष्टि के कारण किसानों की सोयाबीन, किसानों का मक्का और भी दूसरी फसलें, हमारे यहाँ सौसर में कपास भी बुरी तरीके से बर्बाद हो गए किसान। और सोयाबीन का तो पत्तियां ही नहीं बची, झड़ गई, फल्ली तो नजर ही नहीं आ रही। यह हालात केवल अकेले मोखेड़ के नहीं, पूरे प्रदेश के। कल मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक विज्ञापन देख रहा था, जिसमें लिखा था कि बोले 4,890 रुपए प्रति क्विंटल हमने सोयाबीन का समर्थन मूल्य के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार को भेजा है और उन्हें पास कर दिया। मुझे हंसी आई, 4,890 का पहले से समर्थन मूल्य है, किसान मांग कर रहा है 6,000 और 7,000 की। इस प्रदेश की सरकार केवल किसानों को गुमराह कर रही है। आप बेवकूफ मत बनाइए मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र का किसान, इस प्रदेश का किसान बहुत ईमानदार है, वो आपके बहकावे में नहीं जाने वाला। आप सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, किसान साथियों को, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अगर मुआवजा मिलेगा तो कांग्रेस या बीजेपी को नहीं मिलेगा, सारे किसानों को मिलेगा, किसी एक पार्टी के किसान को नहीं मिलेगा। पर आज इस मंच से जहां तक मेरी आवाज उन अधिकारियों के कानों में जा रही, मैं इस मंच से आज उनको चेतावनी देता हूं कि पिछले वर्ष भी पूरा मक्का गिर गया था अतिवृष्टि के कारण, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, पूरा मक्का गिर गया था। हमने एसडीएम को कहा कि इसका सर्वे कराओ, पटवारी आया, हारा आया, उसने किसी के घर में बैठ करके कोई दिखा पड़ी कर ली और कह दिया कोई नुकसान नहीं हुआ। पर अब नहीं चलने वाले, इस बात को एसडीएम सुन ले, इस बात को कलेक्टर सुन ले और अधिकारी सुन ले, पटवारी और आरआई केवल किसी पटेल के घर में जाकर के बैठ के खाना पूर्ति ना करे। और ये आवाज कांग्रेस के लोगों की आवाज है, ये किसानों की आवाज है। हम डरने और दबने वाले नहीं है। इस बात को अधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप फसल का सर्वे, फसल का मुआयना केवल बाहर बाहर से न करें, जैसे हमारे मोहन जी ने कहा कि अंदर जाने के बाद पता लगता है कि मक्के का क्या हाल है, अंदर जाने के बाद पता लगा कि सोयाबीन की क्या स्थिति है। मैं आज अधिकारियों को इस मंच से चुनौती दे रहा हूं कि अगर आपने लिपापोती की तो इसके बाद 8 दिन के अंदर आपने ईमानदारी से सर्वे नहीं किया तो सारे कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सारे हम विधायक नेशनल हाईवे जाम करेंगे और इसकी हिट सही हो जाएंगे। आप तैयार हो सब लोग? इस बात को किसानों की आवाज हमारे राहुल गांधी जी, हमारे कमलनाथ जी, हमारे नकुलनाथ जी किसानों की आवाज उठाने के लिए हमको बार बार कह रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी 6-7 दिन से कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में, मोखेड़ में, पूरे जिले में मक्का और सोयाबीन खराब हो गया, आप लोग क्या कर रहे हैं? आज आनंद फानंद में सब लोगों ने कमलनाथ जी की बात को माना, नकुलनाथ जी की बात को माना, अध्यक्ष जी की बात को माना। आप लोग किसानों की लड़ाई लड़िए, बोले हम चुनाव हार गए तो क्या हुआ, बोले चुनाव हार जीत चलती रहती है। हम कमलनाथ जी ने ये कहा कि राज परिवार किसानों के साथ पहले भी था, जीवन की अंतिम सांस तक किसानों के साथ रहेगा। यहाँ पर बिजली जाती कि नहीं जाती? रोज जा रही, मेरे सौसर में तो रोज जा रही। मुझे लगा कि यहाँ बिजली नहीं जाती होगी क्योंकि यहाँ बंटी भैया भारी वोटों से चुनाव जीते हैं, तो मुझे लगा कि शायद बंटी भैया को मोखेड़ के लोगों की दया आ रही होगी।
पर मैं पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार और अब तो छिंदवाड़ा जिले के लोगों ने भारी मतों से सांसद बीजेपी का जिताया, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे सांसद जी से कि आप भी छिंदवाड़ा के बेटे हो, क्या आपने कभी चिट्ठी लिखी एसडीएम को? क्या आपने कलेक्टर को कोई पत्र लिखा? क्या कोई फोन पर बताया कि हमारे क्षेत्र का किसान परेशान है, उसकी सोयाबीन खराब हो गई, उसका मक्का खराब हो गया? सवाल का जवाब दे हमारे आदरणीय बंटी साहू जी। इस बात को मैं इस मंच से पूछ रहा हूं। भाजपा के लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप अपने सांसद से कहिए कि किसानों की लड़ाई में ईमानदारी से खड़े रहें। आप हार माला फूल में स्वागत में करी हो गए भैया, दो तीन महीने हो गए, अब किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, युवाओं की बात सुनो, क्षेत्र के विकास और प्रगति की बात करो, तब तो हम मानेंगे। जहां अच्छा काम होगा हम सांसद का समर्थन भी करेंगे, और जहां गलत दिखेगा हम सांसद का विरोध करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। इस मंच से बोलता हूं, इसलिए बात कर रहा हूं कि आज सब लोग, हम सब कांग्रेस के लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का एकाध किसी नेता ने भैया कोई ज्ञापन दिया? क्या उनके खेत की फसल खराब नहीं हुई? क्या भाजपा के किसानों के नेताओं के घर के सोयाबीन और मक्का खराब नहीं हुआ? क्या यह ठेका सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने लिया है? पर हाँ, हमने ठेका लिया है, हम किसानों की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे, कमलनाथ जी लड़ेंगे, रघुनाथ जी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों का शांति प्रिय आंदोलन है, अधिकारी जो है आज पूरे क्षेत्र में पूरा तांडव मचा है। शमीन भाई ने बहुत अच्छी बात कही, बिना पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता। गरीबी रेखा का नाम जुड़वाना है तो 2000 रूपये लगते हैं, किसी की पावती बनाना है तो 20000 रूपये लगते हैं। तहसील ऑफिस में चले जाओ, थाने में चले जाओ, सारा भ्रष्टाचार कांटा, सारी जगह बिना पैसे से कोई बात ही नहीं करते। ये पूरे आलम प्रदेश की सरकार का है, ये पूरा आलम हमारे क्षेत्र के छिंदवाड़ा जिले के प्रशासन का है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग संगठित रहिए, कांग्रेस आपके साथ न्याय की लड़ाई लड़ेगी। राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है और ना किसी नेता और अधिकारियों से डरने की जरूरत है, कोई एसडीएम तहसीलदार से डरने की जरूरत नहीं और ना कोई थाना प्रभारी से डरने की जरूरत है। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है ईश्वर भी उसी का साथ देता है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ संगठित रहिए। हम उनको किसानों की कोई समस्या का लेना देना नहीं रहता, उनको लेना रहता है रेत माफिया, रेत का धंधा, लाभ का धंधा। ये काम हमारे विधानसभा क्षेत्र के पूर्वा जो यहाँ विधानसभा के प्रतिनिधि कर रहे थे उनका राय करती हो। किसान मोखेड़ में जिला कांग्रेस कमेटी तथा मोखेड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के विधायक जी के नेतृत्व में आज किसानों की समस्या को लेकर इस मोखेड़ में धरना आंदोलन बैठी हुई है। और एक बात बताना चाहता हूं, हमारे माफियाओं के खिलाफ हमारे संसद विधानसभा के विधायक खाली संसद में एक इंग्रेज नाम का मातन समाज का लड़का माफिया द्वारा शराब ठेकेदार द्वारा उसको मारा गया, उसकी हत्या की गई, उसकी आवाज उठाने का काम हमारे विधायक विजय तिवारी जी ने किया है और जगह पर 6 लाख दिलाने का काम विजय तिवारी ने किया साथियों। अब ऐसी कोई घटना होती है, ऐसा कोई काम होता है, जगह पर जाने का काम हमारे सौ से विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई विजय तिवारी जी हमेशा करते रहते हैं।